हम लोग के साइड से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि नेक्स्ट क्रॉसिंग से 163 BNSS जो पुराना 144 CRPC था वो उसका प्रोहिबिशन लगा हुआ है कि वहाँ कोई भी असेंबली नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिशनली लाल बाजार अभियान जब भी होता है यहाँ पर बैरिकेड लगाया जाता है। जब पीसफुली होता है कोई डेलीगेशन भेजना चाहते हैं तो यहाँ से डेलीगेशन जाके जिससे भी सीनियर ऑफिसर से मिलना होता है, कोई लेटर जमा करना होता है तो वहाँ पे जमा करते हैं। यही हमारे तरफ से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया। हम लोग के साइड से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि नेक्स्ट क्रॉसिंग से 163 BNSS जो पुराना 144 CRPC था वो उसका प्रोहिबिशन लगा हुआ है कि वहाँ कोई भी असेंबली नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिशनली लाल बाजार अभियान जब भी होता है यहाँ पर बैरिकेड लगाया जाता है। जब पीसफुली होता है कोई डेलीगेशन भेजना चाहते हैं तो यहाँ से डेलीगेशन जाके जिससे भी सीनियर ऑफिसर से मिलना होता है, कोई लेटर जमा करना होता है तो वहाँ पे जमा करते हैं। यही हमारे तरफ से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया। हम लोग के साइड से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि नेक्स्ट क्रॉसिंग से 163 BNSS जो पुराना 144 CRPC था वो उसका प्रोहिबिशन लगा हुआ है कि वहाँ कोई भी असेंबली नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिशनली लाल बाजार अभियान जब भी होता है यहाँ पर बैरिकेड लगाया जाता है। जब पीसफुली होता है कोई डेलीगेशन भेजना चाहते हैं तो यहाँ से डेलीगेशन जाके जिससे भी सीनियर ऑफिसर से मिलना होता है, कोई लेटर जमा करना होता है तो वहाँ पे जमा करते हैं। यही हमारे तरफ से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया।